नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 सफल हो चुका है और इसका जो विक्रम लैंडर था वो चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। तो ये सभी देशवासियों के लिए दोस्तों गौरवान्वित करने वाला पल था, गर्व करने वाला पल था। तो इससे संबंधित मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया यह भी महत्वपूर्ण है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे 2:35 पर लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। अब ये तो रही लॉन्च करने की डेट, अब इसने लैंड कब किया, तो ये डेट भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चंद्रयान 3 ने लैंड किया है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, चंद्रयान 3 मिशन पर कुल कितना खर्चा हुआ है? तो चंद्रयान 3 जो मिशन है उस पर कुल खर्चा आया है 615 करोड़। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। 615 करोड़ चंद्रयान 3 मिशन पर कुल खर्चा आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो का चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो अभी तक हम अगर हम बात करें इसरो के चंद्रयान मिशन की, तो 3 मिशन चंद्रयान के हो चुके हैं इसरो के द्वारा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 जो भेजा गया था, यह भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, यानी चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। तो यहां पर मैं आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों का मैं आपको बता दूं कि कब ये लॉन्च हुई है। तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, और ये चंद्रयान 1 दोस्तों इसने क्या करना था, ऑर्बिट जो चांद का ऑर्बिट है उसमें घूमना था, इसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करनी थी, ठीक है। तो ये वहां पे जब गया तो इसने पानी का जो संभावना जताई वो किसने जताई, चंद्रयान 1 ने ही पानी का पता लगाया था कि चांद पर पानी की संभावना है। उसके बाद चंद्रयान 2 इसने, इसके साथ क्या था, ऑर्बिटल भी था, साथ साथ इसमें लैंडर भी था और रोवर भी था। तो ऑर्बिट तो चंद्रमा के ऑर्बिट पर वो घूमता रहा और उसने चंद्रयान 3 की मदद भी की, लेकिन जो लैंडर जब चंद्रमा की सतह की ओर जा रहा था तो वो क्रैश हो जाता है। तो जो चंद्रयान 2 है वो कहीं ना कहीं सफल ये रहा था कि उसका ऑर्बिट जो घूम रहा था उसने चंद्रयान 3 की मदद की, केवल उसका जो लैंडर था वो वहां पे सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया था। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। और चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, और इसने सफलतापूर्वक वहां पर लैंड किया था। अब इसके बारे में और डिटेल्स आपको आगे समझ में आएगा जब और क्वेश्चन में आगे आपको करा रहा हूं। तो इसरो का चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो रोवर का नाम क्या है, तो रोवर का जो नाम है वो है प्रज्ञान। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो चंद्रयान 3 में क्या क्या थे, एक था लैंडर और एक था रोवर। अब इन दोनों में अंतर समझिए, तो ये है यहां पे लैंडर, ये लैंडर है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है विक्रम, और ये है यहां पे रोवर और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर का काम क्या है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। लैंडर का मतलब लैंड कराना, चंद्रमा की सतह पर लैंड कराना। तो इसका काम था चंद्रमा की सतह पर लैंड करना।
तो ये सफलतापूर्वक इसने लैंड किया और इसके अंदर है फिर ये रोवर। रोवर का एक आसान भाषा में आप समझ सकते हैं रोबोटिक मशीन। तो ये इससे बाहर निकलेगा और फिर ये चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा, वहां पर रिसर्च करेगा। तो ये एक रोबोटिक मशीन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 6 पहिए लगे रहते हैं और ये क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। तो ये रोवर है, इसका नाम है प्रज्ञान, और ये लैंडर है, इसका नाम है विक्रम। तो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 का जो मिशन था दोस्तों, उसके लैंडर का नाम भी विक्रम था और रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। तो यही लैंडर और रोवर जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें 3 चीजें थी, चंद्रयान 3 में तो सिर्फ 2 चीजें थी, लैंडर और रोवर। इसमें ऑर्बिट जो यहाँ पे ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 में, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो इसमें 3 चीजें थी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी क्या है, चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। लेकिन लैंडर और रोवर, लैंडर जब रोवर को लेके चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा था तो ये क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा था, तो चंद्रयान 2 हमारा आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो सफल रहा था, क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। और इसी ऑर्बिटर ने यहाँ पे जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको सक्सेस होने में काफी मदद की है, ठीक है। तो इसलिए चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, ऑर्बिटर जो कि चांद का चक्कर लगा रहा है, लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, और रोवर जो कि लैंडर से भी लैंडर के भीतर से निकलकर चांद की सतह पर घूमेगा और वहां पर रिसर्च करेगा। तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। रोवर का नाम क्या है चंद्रयान 3 मिशन के, प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो लैंडर का नाम क्या है, वह है विक्रम। यह है यहां पे लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और यह है यहां पे रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। और इसमें कितने पहिए हैं, 6 पहिए हैं इसमें, एक रोबोटिक मशीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे सही आंसर। अगर हम इसरो की बात करें, इसरो की फुल फॉर्म में दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ, जबकि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है, किया गया है। जो चंद्रयान 3 है उसके लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, LVM3M4 इसका प्रयोग किया गया चंद्रयान 3 के लिए। तो किस लॉन्चर का उपयोग किया गया, LVM3। LVM3 की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3, लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो पहला नाम था दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम कुछ और था, और इसका नाम था पहले GSLV MK3, GSLV MK3 पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या चेंज किया गया, LVM3M4। ये यहाँ पे लिखा भी गया है LVM3M4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है रितु करिधल जी को, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसरो की स्थापना कब हुई, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना हुई 1969 में, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 1969 में कब हुई, किस तिथि को हुई, तो 15 अगस्त
1969 को स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे इसरो के, तो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, चंद्रयान मिशन 3 की थीम क्या है? तो चंद्रयान मिशन 3 की जो थीम है ये है दोस्तों यहाँ पे साइंस ऑफ द मून, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। साइंस ऑफ द मून चंद्रयान 3 मिशन की थीम है, यानी चंद्रमा का विज्ञान, साइंस ऑफ द मून चंद्रमा का विज्ञान, ये चंद्रयान मिशन 3 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, तो परियोजना निदेशक वो कौन थे, तो ये थे यहाँ पे पी विरुमुथुवेल, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये थे परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी विरुमुथुवेल, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, कितने देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में कामयाब हुए हैं? तो अब दोस्तों 4 देश हो चुके हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के मामले में भारत का जो नंबर है वो चौथे स्थान पर है, यानी चौथा देश बन चुका है भारत जिसने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में जाने वाले या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश पहला कौन है, तो वह भारत है। तो क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, वहां तक अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, केवल भारत ने वहां पे अपना तिरंगा लहराया दोस्तों, भारत वहां पे पहुंच पाया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। जब अगर हम बात करें चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने के मामले में भारत चौथा देश बन चुका है। अब अन्य 3 देश कौन कौन है, तो रूस है, अमेरिका है, चीन, ये तीनों इससे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने सफलतापूर्वक लैंड कराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये तीनों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाए। और भारत भी अब चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला चौथा देश बन चुका है। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो उसमें भारत नंबर 1 है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया अभी तक भारत के अलावा, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, के सिवन को, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, के सिवन को कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है आपका आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1971 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ये स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, तो चंद्रयान 3 का जो कुल वजन था वो है 3900 किलोग्राम, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब यहाँ पे आपको दोस्तों स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा चंद्रयान 2 मिशन और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। देखो चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो चंद्रयान 3 में नहीं है ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 में हमने क्या भेजा था, रोवर और लैंडर। अब देखो यहाँ पे ये तीनों मैंने आपको बता रखे हैं यहाँ पे, ये है आपका ऑर्बिटर, और मैं तीनों के आपको कार्य भी समझाऊंगा। ऑर्बिटर ये है यहां पे लैंडर, और ये है यहां पे रोवर, ये तीनों आपको यहां पे दिख गए होंगे। अब तीनों के कार्य देखो, ऑर्बिटर का काम क्या है, पहले तीनों साथ में रहते हैं, ठीक है, फिर ऑर्बिटर क्या करता है, चंद्रमा के ऑर्बिट पर, चंद्रमा का जो कक्ष है उसमें चक्कर लगाएगा, और ये वहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भेजेगा, ठीक है। और इस ऑर्बिटर से, क्योंकि पहले ये तीनों साथ में है, और इससे ये लैंडर अलग हो जाएगा, लैंडर के अंदर अंदर यह रोवर है, लैंडर और रोवर अभी साथ है, तो ये क्या करेगा,
इससे अलग होकर चंद्रमा की सतह की ओर जाएगा और लैंडर वहां पे चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। फिर जैसे ये सफलतापूर्वक लैंड करेगा वैसे ही इसके अंदर से ये रोवर बाहर निकलकर इसमें ये 6 पहिए लगे हुए हैं और ये चांद की सतह पर घूमेगा और वहां पर महत्वपूर्ण रिसर्च करेगा। तो ये तो तीनों के कार्य हो गए, ठीक है। ऑर्बिटर का काम है चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमना, महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना। लैंडर का काम है चंद्रमा की सतह पर लैंड करना और फिर उससे रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर वहां पे घूमेगा, वहां पे जाएगा और वहां पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएगा। अब यहां पे देखो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर था। तो चंद्रयान 2 में तीनों चीजें भेजी गई थी, ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ऑर्बिटर ये है यहां पे, ठीक है, ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है और ये क्या कर रहा है, अभी भी ये चंद्रमा के कक्ष पर, चंद्रमा के ऑर्बिटल पर चक्कर लगा रहा है। इससे जब ये लैंडर अलग हुआ था और जब ये चंद्रमा की सतह पर जा रहा था तो लगभग चंद्रमा से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर ये क्रैश हो जाता है और ये अपनी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है, ये अपने रास्ते से भटक जाता है जिसके कारण ये क्रैश हो जाता है और जो लैंडर था वो वहां पे सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाता है। तो चंद्रयान 2 का जो मिशन है वो जो लैंडर को वहां पे लैंड करना था वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो अभी भी घूम रहा है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां पर चंद्रमान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के कक्ष में ऑलरेडी घूम रहा था और इसने चंद्रयान 3 मिशन की काफी मदद की। अब चंद्रयान 3 को देखो, चंद्रयान 3 में क्या भेजे गए, लैंडर और रोवर। लैंडर सफलतापूर्वक वहां पे लैंड किया इसने और फिर उसके अंदर से रोवर बाहर निकलकर अब वो महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएगा। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, ये वाला नहीं है चंद्रयान 3 में, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी मौजूद है जो कि चंद्रमा का के कक्ष का चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। तो रोवर और लैंडर उसमें मौजूद है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। विक्रम और इसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां उतरा। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा है दक्षिणी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि दक्षिणी ध्रुव के पास, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना है। तो भारत पहला देश बना है क्योंकि अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं पहुंच पाया। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है। तो भारत विश्व का बन चुका है चौथा देश जो कि चंद्रमा पर जिसने सफलतापूर्वक लैंड किया है, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान को उतारा है। इससे पहले रशिया, अमेरिका और चाइना, ये 3 देश जो कि चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक जिन्होंने लैंड किया था और अब भारत चौथा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान को उतारा है, सफलतापूर्वक लैंड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो जो इसरो का मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रयान 2, अब यहाँ पे 2 की बात की गई है, तो चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है। तो चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी क्या है दोस्तों, प्रज्ञान ही है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान है, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान है और चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम था और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम है। तो ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आपको बता दिए हैं और अगर यहां से प्रश्न बनेंगे तो ये यहीं से पूछ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको, जो भी महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चंद्रयान 3 के उद्देश्य, उद्देश्य क्या थे चंद्रयान 3 के। तो इसरो द्वारा 3 उद्देश्य यहाँ पे प्रमुखता से रखे गए थे। एक था चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग, तो ये भी सफल हुआ। नंबर 2 है रोवर को चंद्रमा पर, रोवर को, ये जो रोवर है चंद्रमा पर घूमते हुए
प्रदर्शित करना। तो ये क्या करेगा, ये अब क्या कर रहा है, घूम रहा है वहां चंद्रमा पे, चंद्रमा की सतह पर। इसमें ये 6 पहिए लगे हुए हैं और ये घूम रहा है और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रहा है। और तीसरा था वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। तो जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग होंगे उसका संचालन करेगा अब रोवर, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आपको डिटेल समझाई है और सभी फैक्ट आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।